नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है, दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। उसने हमसे कहा कि एक तो वर्ग है और एक क्या है, आयत है। ठीक है, प्रश्न ने कहा कि एक वर्ग और आयत दोनों के परिमाप क्या है, 48 मीटर। इसका परिमाप कितना है, 48 मीटर, और इसका भी परिमाप कितना है, 48 मीटर। ठीक है, प्रश्न ने जो कहा वो हमने लिख लिया कि वर्ग और आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है। अब आगे बढ़ेंगे, हमने मानी कि वर्ग की भुजा क्या है, ए है, इसकी लंबाई और चौड़ाई माननी पड़ेगी, तो हमने एक्स मान ली इसकी लंबाई, तो चौड़ाई, अब चौड़ाई कैसे निकलेगी वो हम आपको बताते हैं। इसका परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 × a बराबर 48, तो a बराबर 48/4, 4 से काटेंगे तो a बराबर 12 मीटर, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। अब यहां लगाते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 48/2, 2 से काट देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24। लंबाई को हमने x माना था, तो x प्लस b बराबर 24, तो चौड़ाई बराबर क्या निकल के आ गया, 24 माइनस x, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई 24 माइनस x। अब उसने कहा दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल दोनों का अगर अंतर हम निकालते हैं तो कितना है, 4 वर्ग मीटर का अंतर है। ठीक है, तो हमने वर्ग के क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर 4 लिख लिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 4। अब वर्ग की भुजा कितनी आई थी, 12 मीटर, तो हम यहां लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस, लंबाई को हमने x माना था और चौड़ाई आई थी 24 माइनस x बराबर हो जाएगा 4। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस x का होगा 24x में तो 24x, और x का होगा x में तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब 4 को हम इस साइड ले जाएंगे, शुरुआत में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 144 और माइनस का 4 बराबर 0, यानी अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 140 बराबर 0। ठीक है, यहां हमने सॉल्व कर लिया, अब ये हमारा द्विघाती समीकरण बन गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना का क्या होता, इस बीच वाले टर्म को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, 14 और 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 14x माइनस 10x प्लस का 140 बराबर 0, क्योंकि 14 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, इसलिए हमने 14 और 10 के फॉर्म में तोड़ दिया, दो दो की ग्रुपिंग बना ली, यहां से कॉमन लिया x तो यहां बचेगा x माइनस 14, यहां से 10 लिया तो x माइनस 14 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाते हैं तो एक बार लिख लेते हैं, और x माइनस 10 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हम निकालेंगे तो या तो निकलेगी 14 और या निकलेगी 10। ठीक है, अब x हमने किसको माना था, लंबाई को, तो लंबाई क्या बड़ा पार्ट मानते हैं हम लंबाई को, तो जब x बराबर 10 है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 14 बराबर 10, यानी लंबाई
यहां लिख लेते हैं, लंबाई कितनी निकल के आ गई 14 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। आप x बराबर हम 10 भी रखेंगे तो लंबाई 10 हो जाएगी और चौड़ाई को जब घटाएंगे 24 में से तो 14, यानी दोनों की क्या लंबाई चौड़ाई क्या होगी, 14 या 10। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। देखना है कि प्रश्न ने हमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस उस पे आप चलते चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सा यहाँ द्विघाती समीकरण बन गया था, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो बीच वाला पार्ट हो उसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। अब दो पार्ट में भी ऐसा तोड़ना है कि जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो ये अंत वाला पार्ट और फर्स्ट वाले पार्ट का मल्टीप्लाई आए, और ऐड करें या माइनस करें तो बीच वाला पार्ट आए। तो 14x और 10x दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो माइनस का 24x हो जाएगा, और दोनों का जब गुणा होगा तो 14 धम 140, x का x में होगा तो x स्क्वायर और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस का, यानी प्लस का 140x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 14 और 10 में तोड़ा है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग यहाँ तोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तोड़ ही नहीं पाते। तो ये द्विघाती समीकरण है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।